हेलो फ्रेंड, मैं अक्षय आज आपको लेकर आया हूँ मार्कंडेय महादेव मंदिर। इस मंदिर की बहुत ही रोचक कहानी है जो मैं आज आपको बताता सुनाता हूँ। मार्कंडेय महादेव मंदिर उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों में से एक है। विभिन्न प्रकार की परेशानियों से ग्रसित लोग अपने दुखों को दूर करने के लिए बनारस से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मंदिर में आते हैं। वाराणसी के चौबेपुर में स्थित ये वही गांव है जिसे काशीराज देवोदास ने दूसरी काशी के रूप में बसाया था। वर्तमान समय में ये गांव कैथी नाम से प्रचलित है। दोस्तों, भारतीय जनमानस को आज भी तीर्थ स्थलों पर सिद्धि और शांति प्राप्त होती है। समय समय पर पृथ्वी पर ऐसे तपस्वी पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने तप के बल पर भाग्य की लेखनी को पलट दिया है। गंगा गोमती के संगम पर स्थित मार्कंडेय महादेव तीर्थ धाम इसकी अनुपम मिसाल है। चौबेपुर के कैथी ग्राम के उत्तरी सीमा पर बना ये श्री मार्कंडेय धाम अपार जन आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर का इतिहास भी बड़ा ही रोचक है। मार्कंडेय महादेव मंदिर से जुड़ी प्रचलित कथा के अनुसार मृकंड ऋषि तथा उनकी पत्नी मरंदती दोनों पुत्रहीन थे। मृकंड ऋषि की घोर तपस्या के बाद भगवान शंकर के आशीर्वाद से मार्कंडेय ऋषि पैदा हुए, लेकिन उन्हें आयु दोष था। बालक को मृकंड ऋषि ने शिक्षा देने के लिए आश्रम भेजा। समय बीतने के साथ बालक की अल्प आयु की चिंता मृकंड ऋषि को सताने लगी। दोनों दंपति दुखी रहने लगे। मार्कंडेय जी को माता पिता का दुख न देखा गया। वे कारण जानने के लिए हट करने लगे। बाल हट के आगे विवश होकर मृकंड ऋषि ने सारा वृत्तांत कह बताया। मार्कंडेय समझ गए कि ब्रह्मा की लेखनी को मिटाकर जब भगवान शंकर के आशीर्वाद से मैं पैदा हुआ हूँ तो इस संकट के घड़ी में भी भगवान शंकर की ही शरण लेनी चाहिए। इसके बाद मार्कंडेय गंगा गोमती के संगम पर बैठकर घनघोर तपस्या में लीन हो गए। शिव पार्थिव वाचन पूजा करते हुए उम्र के 12 साल बीतने को आए। एक दिन यमराज ने बालक मार्कंडेय को लेने के लिए अपने दूत को भेजा। भगवान शंकर के तपस्या में लीन बालक को देख यमराज के दूत का साहस टूट गया। उसने जाकर यमराज को सारा हाल बताया। तब जाकर यमराज स्वयं बालक को लेने भैंसे पर सवार होकर आए। माना जाता है कि जब यमराज बालक मार्कंडेय को लेने आए तब वह शंकर जी की तपस्या में लीन था। बालक मार्कंडेय का ध्यान तोड़ने के लिए यमराज दूर से भय दिखा प्रहार करने लगे। तब मार्कंडेय जी घबरा गए और उनके हाथ से शिवलिंग जमीन पर जा गिरा। शिव पार्थिव गिरते ही मृत्यु लोक से अनादि तक शिवलिंग का स्वरूप हो गया। यमराज का त्रास देखकर भगवान शंकर भक्त की रक्षा करने हेतु प्रकट हो गए और मार्कंडेय को यमराज से बचाया और यमराज को सचेत करते हुए कहा कि चाहे संसार इधर से उधर हो जाए, सूर्य और चंद्रमा बदल जाए, किंतु मेरे परम भक्त मार्कंडेय का तुम कुछ अनिष्ट नहीं कर सकते। इस बालक की आयु काल की गणना मेरे दिनों से होगी। बस तभी से गंगा गोमती के तट पर बसा यह कैथी गांव मार्कंडेय जी के नाम से प्रचलित है। यहाँ का तपोवन काफी विख्यात है। यह गर्ग, पराशर, श्रृंगी, बुद्ध्याल आदि ऋषियों की तपोस्थली रहा है। इसी स्थान पर राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि ने उत्कृष्ट यज्ञ कराया था, जिसके परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को पुत्र प्राप्त हुआ था। यही वह तपोस्थली है जहाँ राजा रघु द्वारा 11 बार हरिवंश पुराण का पारायण करने पर उन्हें उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ था। माना जाता है कि पुत्र कामना के लिए यह स्थल काफी दुर्लभ है। हरिवंश पुराण का पारायण तथा संतान गोपाल मंत्र का जाप कार्य सिद्धि के लिए विशेष मायने रखता है। पुत्र इच्छा पूर्ति के लिए इससे बढ़कर सिद्धिपीठ स्थान दूसरा कोई नहीं है। मार्कंडेय महादेव की इस तपोस्थली पर हर समय पति पत्नी का जोड़ा पीत वस्त्र धारण कर गांठ जोड़े पुत्र प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण का पाठ कराते हैं। दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, गंगा गोमती के पवित्र संगम में स्नान करते हैं और फिर बाबा का जल अभिषेक करते हैं। ऐसा करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अल्प आयु अथवा आयु दोष वाले श्रद्धालुओं को यहाँ एक बार आकर बाबा के दर्शन अवश्य करना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देख रहा होगा, ये घाट का सीन है। कभी भी आप आए मार्कंडेय महादेव मंदिर दर्शन करने तो गंगा घाट पे आना ना भूलें। ये गंगा घाट मार्कंडेय महादेव मंदिर के जस्ट अपोजिट साइड रोड पे आधे किलोमीटर दूरी पे स्थित है और लोग यहीं से गंगा जल भर के मार्कंडेय महादेव मंदिर जाते हैं स्नान करके। और ये मंदिर के जस्ट सामने रोड पे है। आज मैं आपको इस घाट का पूरा व्यू कराता हूँ। जैसा कि आप सामने ये देख रहे होंगे, अभी यहाँ सुंदरीकरण हुआ है। ये साइड में आप देख रहे होंगे ये सारे टाइल्स वाइल्स लगे हुए हैं और ये मैं मंदिर के आगे लेके चल रहा हूँ। यहाँ गंगा और गोमती का संगम होता है।
ये आप दूर तक देख रहे होंगे, ये गंगा घाट के पास हम लोग आ गए हैं। मार्कंडेय महादेव मंदिर के अपोजिट में है, और इसके पास फूल माला और गेंदे के फूल की खेती भी होती है। दूर में आपको दिखेगा अभी घाट के उस पार बहुत बड़े बड़े गेंदे के फूल के, जो मेरीगोल्ड कहते हैं, उसकी खेती भी यहीं होती है। अब बहुत ही अच्छा यहाँ सुंदरीकरण हुआ है, आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते रहते हैं, और यही गंगा जी में स्नान करके और जल लेके मार्कंडेय महादेव के ऊपर चढ़ाने के लिए यहीं से बेलपत्र वत्र लेके आगे श्रद्धालु बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ पे होता है, यहाँ बोटिंग वोटिंग सब होती है, और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग सेल्फी खिंचाने और दर्शन करने के लिए। देखिए यहाँ बोटिंग हो रही है, आप बोटिंग करना चाहते हैं तो बोटिंग भी कर सकते हैं। आगे आपको गंगा गोमती का संगम भी दिखाएगा इसमें। और मैं आपको, ये अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं ये वीडियो ख़त्म कर, मैं आपका दोस्त अक्षय अभी यहाँ घाट पे हूँ, जैसा आप देख रहे होंगे। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह और अच्छे अच्छे वीडियो मैं बनाता रहूँगा। बाय दोस्त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।